जवान रमाकांत तिवारी को दूसरी बार राज्यपाल के हाथों से राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं रमाकांत तिवारी ने बताया है कि बीजापुर में पोस्टिंग के दौरान जंगलों में काफी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था। जंगल में ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें 18 शव बरामद किए गए। वीरता पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनको पुरस्कार मिला है, किस तरह से उनको फील हो रहा है। सबसे पहले तो आपको स्वराज एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बीजापुर में तैनाती के दौरान हम लोग 3 दिवस के ऑपरेशन में निकले हुए थे। उस ऑपरेशन में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को हम लोगों ने वो किया था। उसमें हम लोग 6 वेपन रिकवर किए थे। उस मुठभेड़ के बाद भारत के राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा पुलिस वीरता पदक से नवाजा गया है। अच्छी टीम को लेके हम लोगों ने गए थे वहाँ पे, और एक अच्छे रणनीति के तहत गुरिल्ला वार के तहत हम लोगों ने काम किया था, और काफी अंदर घुस के, मतलब ऐसा इलाका जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर अंदर जाके हम लोगों ने इनकाउंटर किया था। उसके काफी कठिन ऑपरेशन था, एक नया इलाका था हमारे लिए। बीजापुर से इंद्रावती नदी को क्रॉस करके हम लोग गए थे, उसपे 2 नक्सलियों को किए थे, 2 वेपन रिकवर किए थे उस मुठभेड़ के दौरान मिला था। अभी तक आप कितने मुठभेड़ में शामिल हो चुके हैं? अभी तक मेरा अब एक चेंज ऑफ फायर काफी अधिक है, मतलब 30 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मुझे 1800 बरामद किया गया है। मैं अपना को गौरव महसूस कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ हूँ, और मुझे माओवादी उन्मूलन अभियान में हिस्सा लेने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ पुलिस काफी मजबूत है, हमारा DGP सर का भी ध्येय वाक्य है मजबूत पुलिस, विश्वसनीय पुलिस। हम लोग काफी मजबूती के साथ नक्सल उन्मूलन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेनिंग काफी अच्छी है, और ट्रेनिंग के बदौलत ही हम लोग जंगल में जाके, दुर्गम इलाकों में जाके सफलता अर्जित करते हैं। ये दूसरी बार आपका पुरस्कार है, किनको श्रेय देना चाहते हैं इसका? ये मैं साथी जवानों को, वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन को एवं घर परिवार के देना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो अभी आपने जवान को सुना जिनको दूसरी बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है, और उनका साफ कहना है कि ये टीम वर्क है, टीम वर्क से ये संभव हो पाया है। हालांकि उनका एक अपनी रणनीति है जिसका वो खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन जवान से इतना अपील किए हैं कि वो अपने काम को जिम्मेदारी से निभाएं। कैमरामैन रविंद्र नगरकर के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इंदौर में यातायात